बुलंदशहर से रीशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। पुलिस ने पकड़ी आतिशबाजी की अवैध सामग्री। बुलंदशहर पुलिस ने पकड़ी आतिशबाजी की अवैध सामग्री। आतिशबाजी की अवैध सामग्री के 14 कार्टून के पुलिस ने बरामद। बरामद आतिशबाजी की अवैध सामग्री की कीमत बताई जा रही है लाखों रुपए। आतिशबाजी की सामग्री को दिल्ली में किया जाना था दीपावली पर सप्लाई। सियाना कोतवाली पुलिस ने सियाना नगर के मोहल्ला हनीफ खलीमे की कार्रवाई। सियाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी पकड़ी है। इस तरह की आतिशबाजी क्या कार्रवाई की? देखिए, अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के निर्देशन में 8 थाना सियाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला हनीफगढ़ी कस्बा सियाना में अवैध पटाखों का जो भंडारण किया गया था उसको चेक किया गया, उसको पकड़ा गया, जिसमें 14 बंडल अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 2.5 लाख रुपये है। जिससे ये बरामद हुए हैं उसका नाम है रिंकू शर्मा, पुत्र विष्णुदत्त शर्मा, निवासी मोहल्ला चौहट्टी कस्बा व थाना सियाना। इसमें उल्लेखनीय यह है कि अभी जिस तरह के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से अवैध ना ही पटाखे बनाए जाएं और ना ही उनकी बिक्री करी जाए, इसमें थाना सियाना द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? अभी इसमें 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई इसमें? हाँ, इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, रिंकू शर्मा, पुत्र विष्णुदत्त शर्मा। मैम, दूसरा ये मालिक है जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा, कौन है? देखिए, जिसमें 2 लोग हैं, जिसमें एक है जिस...